नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हीना हेल्थ में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है उन महिलाओं के लिए जो IUI या फिर IVF फेल होने के बाद निराश हो गई हैं। तो आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे चाहे आपका एक बार IUI फेल हुआ हो या फिर तीन बार या फिर IVF फेल हुआ है, इससे यूज़ करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को अपना कीमती समय देके सपोर्ट तो करते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महिलाओं की बॉडी में हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स को खड़ी कर देते हैं, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना या फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम करना या फिर कंसीव के बाद अबॉर्ट हो जाना, मिसकैरेज हो जाना। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि IUI या फिर IVF फेल होने के बाद क्या करें और कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपको IUI में सक्सेस चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताने वाली। तो सबसे पहला टिप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर आपको IUI में सक्सेस चाहिए तो आपको सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, क्योंकि आप लोग काम के चक्कर में अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, फिर चाहे वो वर्किंग वूमन हो या फिर हाउसवाइफ। दोस्तों, जब आपकी बॉडी को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा घर में कैसे पनपेगा, या तो फिर कंसीव होके वो फिर से अबॉर्ट हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, फिर आप ही लोग शिकायत करते हो कि कंसीव होने के बाद में अबॉर्ट हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ों को फेस नहीं करने के लिए आप पहले से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लीजिए। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे ऐसा कुछ नहीं होता, बट ऐसा करने से आप कंसीव में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए कंसीविंग में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर बोलते हैं कि आपके अंडों में प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर आपके अंडे के ग्रो करने रप्चर करने की कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ खाने से अच्छा आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़्यादा बढ़ावा दें और हेल्दी लाइफस्टाइल में अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं ताकि आपको भारी मात्रा में पोषण मिल सके। सेकंड टिप है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रह सके। थर्ड टिप है, डॉक्टर से पूछ के मल्टीविटामिंस या फिर फॉलिक टैबलेट ज़रूर लें। ये दोनों लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो खाते पीते हैं उसमें हमें भारी मात्रा में फॉलिक और मल्टीविटामिन नहीं मिल पाता, इसलिए आपको इसे टैबलेट के रूप में लेना ज़रूरी है। और खाने पीने में भी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और मिल्क बटर, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में ऐड करें। रात को गुनगुने पानी में गुनगुने दूध में एक पिंच हल्दी डालकर पीजिए, ठीक है। अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए फर्टिलिटी बूस्ट वाले आहार को अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपको हर तरह से पोषण मिल सके। मैंने यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रीनशॉट दे रखा है फर्टिलिटी बूस्ट करने वाले फूड्स कौन से होते हैं, तो आप इसे देख लीजिए और इसे ही खाइए, ठीक है। अपने खाने को दिन में 5 भाग करके खाइए, इससे आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आते हैं फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप है आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, या फिर अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो थोड़ा बहुत आपको वॉक करना है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। आप और फिफ्थ टिप है, आपको और आपके पार्टनर दोनों को भी अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों भी आप ये चीज़ों से दूर रहे अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो, अल्कोहल और स्मोकिंग, ठीक है। सिक्स टिप है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाए, स्पेशली चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ गर्भाशय के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए महिलाएं ये सारी चीज़ों से दूर रहे। सेवन टिप है केमिकल वाली चीज़ों से भी आप दूर रहें, क्योंकि इसकी स्मेल से भी आपकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, इसलिए आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें ना यूज़ करें। एट टिप आता है, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको आपको करना ही करना है। ये टिप है एक्यूपंक्चर थेरेपी। दोस्तों, आपको एक्यूपंक्चर थेरेपी लेना है। फर्टिलिटी के उपचार के लिए कई सालों से एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को फर्टिलिटी के इलाज से फ़ायदा नहीं होता वो एक्यूपंक्चर का सहारा लेते हैं। अगर इलाज के साथ एक्यूपंक्चर किया जाए तो गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। फर्टिलिटी की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत से डॉक्टर और दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक्यूपंक्चर लेने से आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दोस्तों ये एक चाइनीज़ तकनीक है। रिसर्च में इसके बहुत से फ़ायदे देखे गए हैं और बहुत से लोगों ने इस तकनीक से कंसीव किया है। दोस्तों ये हर देश में अवेलेबल है, आप अपनी सिटी में इसे ढूंढ के इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कंसल्टेशन के लिए जाए तो सारी बातें डॉक्टर से खुल के बताएं। अगर आपको PCOD भी है तो खुल के बताएं, और अगर कंसीव होके मिसकैरेज भी हो जाता है तो सारी बातें खुल के ज़रूर बताएं। ये बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है, ये आपको पीरियड के बाद बुलाएंगे और आपको 4 से 5 सीटिंग ये देते हैं। जैसा आपका केस होगा ये उसी तरह आपको सीटिंग देंगे, और ये आपको ट्रीटमेंट प्रॉपरली अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। आपको ये ऊपर इमेज दिख रही होगी, इसी को कहते हैं एक्यूपंक्चर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। दोस्तों इसमें ये एक पतली सी सुइयां जो है वो चुबाते हैं आपके एक्यूपंक्चर पॉइंट पे, जिससे आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, गर्भाशय का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है साथ में, और ये आपके गर्भाशय को अच्छा करता है, आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस है ये उसको बैलेंस करता है। इसको करवाने के बाद आप खुद रिलैक्स फील करेंगी। दोस्तों अगर आपको IUI करवाना है तो एटलीस्ट आपको 2 महीने पहले से ही ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर का लेना शुरू कर देना है, और IUI के साथ में भी आपको एक्यूपंक्चर कंटिन्यू रखना है। और अगर आप IVF करवाना चाहती हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ पहले से आपको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना है, और IVF के साथ में भी आपको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेना है। और अगर आप मिसकैरेज के लिए एक्यूपंक्चर ले रही हैं तो कंसीव होने के एटलीस्ट 3 मंथ तक आपको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। दोस्तों रिसर्च में यह देखा गया है कि 40 ईयर्स की महिला भी इस तकनीक के इस्तेमाल से उन्होंने कंसीव किया है। दोस्तों इसका खर्च हर देश और हर सिटी में अलग अलग होता है, इसलिए इसका एग्जैक्ट अमाउंट बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आप अपने पास के ही क्लिनिक में जाके इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। यह हर क्लिनिक में अवेलेबल नहीं होता, इसके अलग से क्लिनिक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक्यूपंक्चर लेने के साथ अपने फर्टिलिटी डेज को पता लगा के, बहुत से मार्केट में ऐसे किट आते हैं जो आपकी फर्टिलिटी फर्टाइल डेज को पता लगाते हैं, जो आपका एवल्यूशन डे होता है आप उसको पता लगा के भी नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, बट साथ में एक्यूपंक्चर भी लेना ज़रूरी है। दोस्तों ये सारी टिप्स मैंने आपको आज दी हैं, अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है इस ट्रीटमेंट को लेके तो आप एक बार खुद से इसके बारे में सारी जानकारी लें और फिर ही कोई ट्रीटमेंट का निर्णय लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो सच में पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है,